गुरुत्वपूर्ण खबर को ब्रजराजनगर उपनिर्वाचन नहीं घोषणा है तारीख मे 31 तारीख में ब्रजराजनगर उपनिर्वाचन मे 4 तारीख में प्रकाश पाइब विज्ञप्ति मे 11 तारीख जाए नामांकन पत्र दाखल समय सीमा रखा जाई सेहीपरि भावे मे 12 रे नामांकन जांच एवं 17 रे नामांकन प्रत्याहार दिन धार्य करा जाई जून 3 रे भोट गणति सहित प्रकाश पाइब फल आज लागू होईछि निर्वाचन आचरण विधि किशोर महांतिंकर देहांत परे ए आसन खाली पड़ी तेरे ब्रजराजनगर आसन किशोर महांतिंकर जी रही सेठाकर प्रार्थी तांकर देहांत हेबा परे ए ब्रजराजनगर आसन खाली पड़ी आज निर्वाचन आचरण विधि लागू होईछि ब्रजराजनगर में तेरे जहाँ सूचना रही ब्रजराजनगर उपनिर्वाचन नहीं घोषणा है तारीख मे 31 तारीख में ब्रजराजनगर नहीं उपनिर्वाचन हो ए संपर्क में अधिक सूचना पाई आम सहित फोन लाइन रही सीनियर करेस्पोंडेंट अजेस मल्लिक फोन लाइन रही अजेस जदि आम देखा 17 प्रार्थीपत्र रही तीन ने गणति रही ब्रजराजनगर पर आज जदि आम देखा जे एक प्रकार निर्वाचन आचरण विधि लागू हो जाए निशा भी देखु डिसेंबर 30 तारीख जितने किशोर महांत जी रही ब्रजराजनगर विधायक तर देहांत पर ईसी खाली पड़ा और देखिए जेहतु 6 मास भितर सेठार निर्वाचन हेबार व्यवस्था रही तेणु से ही क्रम देखिए आज निर्वाचन कमिशन पक्षर तारीख घोषणा कर सहित देशर अन्य जो स्थान में स्थान में भैकांट अच्छी सेठे तारीख घोषणा कर क्रम देखिए ब्रजराजनगर पर 31 तारीख दिन अर्थात मे 31 से भोट हेब पूर्व देखिए जो प्रक्रिया रही कि 4 तारीख दिन एने विधिवत विज्ञप्ति प्रकाश पाइब 4 तारीख को 11 तारीख रही आपंकर नामांकन रही 12 तारीख से प्रार्थीपत्र जांच और 16 तारीख रही प्रत्याहार यही जेहतु केन्द्र निर्वाचन आयोग पक्षर यह तारीख घोषणा कर देखिए जेहतु आउ कम दिन था 6 मास पूर्व कम दिन था समस्त रजत रही केठारे निर्वाचन तारीख घोषणा हेब से क्रम देखिए आज यो चर्चार पूर्णच्छेद पड़ी जो अपेक्षार पूर्णच्छेद पड़ी 31 तारीख में एठार भोट हे जाए देखिए परवर्त मुहूर्त जहां प्रक्रिया रही सर 3 जून में काउंटिंग हम और फलाफल प्रकाश पाइब आप देखो जो किशोर महांती कथ आम आलोचना करवा राज्य राजनीति में दबदबा रही देखो 2004 रु 2004 झारसुगुड़ लगातार भाव से जीति कि परवर्त मुहूर्त हुए भाग्य साथ दे ना 2009 और 2014 से झारसुगुड़ ठिया होते देखिए प्रतिद्वंदी थे नव दास जी की बीजेड पावरफुल मिनिस्टर अच्छा से कांग्रेस बेले से हर 2009 और 2014 जो हारी झारसुगुड़ परवर्त मुहूर्त में देखिए 2019 दल ब्रजराजनगर टिकेट देता और दल भरसा करवर्त मुहूर्त देखिए 2019 से ब्रजराजनगर बाजीमात करते किंतु परवर्त मुहूर्त देखु जेहतु अधा समय भितर 2019 निर्वाचित होते कि परवर्त मुहूर्त देखु डिसेंबर 2021 देहांत होता और देहांत पर एसपीएस खाली पड़ा किंतु परवर्त मुहूर्त देखु ये प्रक्रिया आरंभ होती पूर्वर देखिए एक प्रकार बीजेडी से सीट को अर्थात निजर सीट को तीन राजनैतिक दल जे रही राज्य में बीजेडी बीजेपी और कांग्रेस एम भितर एक प्रकार अंक कषा आरंभ हो जाए प्रकृत में ब्रजराजनगर पर आम क्या प्रार्थी करू हिसाब से देखु यही ब्रजराजनगर सीट की केवे भी बीजेडी दखल को नहीं ना प्रथम थर पर देखो 2019 जेकि किशोर महांती सेठू जीति या पूर्व देखिए जेकि रही बीजेपी राधारानी पंडा जीति पूर्व जीते कांग्रेस अनुप साय बारंबार जीति आसते कि परवर्त मुहूर्त अनुप साय को दल आनी टिकेट देता कि 2014 राधारानी पंडा को परास्त होते कि परवर्त मुहूर्त किशोर महांती झारसुगुड़ से पराजय भोगे दल टिकेट देता से दलर मर्यादा रखी और सेठी बाजीमात करते तेणु यही क्रम देखिए जेहतु प्रथम थर पर 2019 निज दखल को नहीं ब्रजराजनगर को बीजेडी केवटी एवं अंक कथा आरंभ कर अर्थात सीट को पुनर्व बजाय रखा बर्तमान दल रणकौशल आरंभ कर जन प्रार्थी दब जो से दल भल मार्जिन जितने देखिए किशोर महांती पत्नी का नाम शुणा देखिए जी की पावरफुल मिनिस्टर नवदास अच्छा झील को नाम शुणा हुए तो यह विभिन्न ना चर्चा आसुची कि बीजेडी शेष मुहूर्त जहां दल पक्ष सुप्रीमो ही शेष निष्पत्ति ने दल प्रार्थी उप मोहर मारे हुए तो प्रक्रिया आरंभ हो 4 तारीख में नोटिफिकेशन प्रकाश पाइब
से क्रम देखिए खुब शीघ्र हुए तो बीजेडी तार प्रार्थी नाम घोषणा करें निश्चित भाव में देखा जे तीन राजनैतिक दल वर्तमान लगातार भाव अंक कसा आरंभ कर ब्रजराज नगर पर क्या प्रार्थीपत्र दिजिव प्रार्थीपत्र तीन राजनैतिक दल माने कहार ना को सामना को आणुचंती समस्त नजर रही बहुत बहुत धन्यवाद अजेश आपणकर समस्त सूचना तेज संपर्क में आहरी अधिक तथ्य पाई आम सहित रही आम प्रतिनिधि जितेन्द्र देवता आम सहित फोनलाइन जोड़ी होती जितेन्द्र बर्तमान जब आम देखा जो किशोर महांती देहांत पर बर्तमान ये आसन खाली पड़ता मे 31 तारीख में ब्रजराज नगर में भोट होगा जाऊँगी रेस मानक ना को लेकिन चर्चा हो देखु तपन अनेक कल्पना जल्पनार अंत घटी कहीं डिसेंबर 30 तारीख रे दिवंगत विधायक जी थे किशोर महांती देहांत होता आकस्मिक देहांत होता अकाल वियोग होता दीर्घ दिन पर ब्रजराज नगर आसन टी खाली पड़ा लोक मान गोटे अपेक्षा था केवे बाय इलेक्शन हम से बाय इलेक्शन रो अपेक्षा था आज अंत घटी मे 31 रे होगा जाऊनिर्वाचन ब्रजराज नगर निर्वाचन मंडली आपन जो कहले जो निर्वाचन मंडल जो तीन राजनीतिक दल बीजेपी बीजेडी एवं कांग्रेस पक्षर अंक कसा आरंभ हो गला कहीं डेट डिक्लेयर ही नथला किंतु ता आगर तीन राजनीतिक दल फिल्ड को जाई निज निजर फिल्ड सजेवा आरंभ कर दे जो रेस कथा कहते कांग्रेस पक्षर जहां शुणा मिलू कांग्रेस जो कांग्रेस थिले किशोर पटेल ना गोटे सामना को एवं विजु जनता दल दिन पूर्व बहुत चर्चा होता दीपाली दास नवदंत जो झील रोचान दीपाली दास एवं अलका महांती किशोर महांती जो पत्नी अच्छा अलका महांती दुजों भितर गोटे क्या टिकेट मिलता नहीं अंक कसा आरंभ होता कल्पना जल्पना लगी रही बीजेपी पक्षर राधाराणी पंडा जेहेतु पूर्वतन विधायिका से ब्रजराज नगर निर्वाचन मंडल रही तेरे आ भितर जेहेतु दीर्घ दिन पर 2019 मसीह विजु जनता दल ये आसन टी अख्तियार करजर सरकार से गठन करजु जनता दल तेज निश्चित भाव में शासक दल चेष्टा कर गड़ को निज अख्तियार केमी रखापी से एक उपयुक्त प्रार्थी देवाई कि से निश्चित भाव में सठिक अंक कसा कर निश्चित भाव तपन देखु जदि आम उपनिर्वाचन कथा कहवा आमर ओडिशार जो हिस्ट्री अच्छी जो मानकर देहांत हो पर लोक मितर जन को टिकेट मिलू आप पिपिली कथा कहतु अन्य जगार कथा कहतु से दृष्टि रखी ब्रजराज नगर जो विधायक थे किशोर महांती स्त्री अलका महांती को टिकेट मिलू बोली कर्मी मैंने आशा प्रकट कर पत्नी को जदि टिकेट मिल निर्द्वंद से माने विजयी हो आशा प्रकट करें जो ब्रजराज नगर निर्वाचन मंडल ता आगु आम जाइु लोक सहित मिशीचु कर्मी मान सहित मिशीचु से कहते दिवंगत विधायक किशोर महांती अनेक उन्नयनमूलक कार्य कर ब्रजराज नगर निर्वाचन मंडल तेणु तांकर जो अधूरा स्वप्न रही जाइए बहुत किसी स्वप्न रही जाइए जोटा की अलका महांती निजे भोट देवाई जो आसी आप म्युनिसिपल इलेक्शन से समय से प्रतिक्रिया रखी थे जे किशोर महांती बहुत किसी स्वप्न रही जाइए अधूरा स्वप्न को मुझ पूरण करी जदि बीजेडी सुप्रीमो मत टिकेट दिंती तेरे आम जदि कह ब्रजराज नगर निर्वाचन मंडल 2019 किशोर महांती जत विजय लाभ कले निश्चित भाव जितेन्द्र आम कहीपर जे विजु जनता दल निजर गड़ को बजाय रखा कि लगातार भाव चेषा कर विरोधी दल मैंने अंक कसा आरंभ करुक्त प्रार्थी करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद जितेन्द्र आपण समस्त सूचना इस संपर्क में अधिक आलोचना करवा आम सहित रही वरिष्ठ सांबादिक श्रीयुक्त रवि दास आम सहित फोनलाइन जोड़ी होती श्रीयुक्त दास आपन को स्वागत कर श्रीयुक्त दास 31 तारीख में ब्रजराज नगर में भोट पड़ा जाऊँच शासक दल निज गड़ बचाया कि लगातार भाव में चेष्टा कर बेसी संभावना आपण देखुंत पूर्वतन विधायक से गोटे भी अच्छी मृत्यु पत्नी छिड़ा आग्रह प्रकाश कर सीधा सड़क से कही आग्रह अच्छी काटार कौन कारण मु देखुना उपनिर्वाचन साधारण तो देखाई जे बीजेपी सब जिते उपनिर्वाचन को जाए से पर लोक प्रार्थी कै जिते बलवेज बाहर लोकटा दबा बहुत रेयर आप देखिए
ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟା ହଉଥିଲା ଯେ ନବ ଦାସଙ୍କ ଝିଅ କଥା ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛି ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି କେବଳ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଡାମ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ, ତାଙ୍କ ୱାଇଫ କଣ ସେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ, କାହିଁକିନା ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ତ ସେ ଆଗରୁ ସେଠି ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସେ ହେଇପାରନ୍ତି, ତା ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସେଠି ଦେଇପାରେ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ତ ଥିଲେ କିଶୋର ପଟେଲ ଥିଲେ, ସେ କିଶୋର ପଟେଲ ନିଜେ ଛିଡା ହେବେ କି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଛିଡା କରିବେ, କାରଣ କଂଗ୍ରେସର ଗଳାଥର ତ କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଦେଇନଥିଲା, 2019 ସିପିଆଇ କି ଛାଡି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ ହାର ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଯାହା ଦେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ପଚାରୁଥିଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଯାହା ଭୋଟ ମିଳିଛି ସେ 7-8 ହଜାର ଭୋଟ ରହୁଛି ମାତ୍ର, ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ସେଠି ବଢିବ କିପରି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଗଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ଏକ ଏମିତି ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମସ୍ତ 3ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ଫୋକସ୍ ରହିବ ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ କାଣ୍ଟେ କି ଟକ୍କର ହୋଇପାରେ କି, ବିରୋଧୀମାନେ ଶାସକ ଦଳକୁ ଟକ୍କର ଦେଇପାରନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟକ୍କର ଦିଆ ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ ହବ। ଯିଏ ଏତେ କହୁନାହିଁ, ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ପାନୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ରୋଜାନଗରରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କହୁଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଠି ଆଣିବା ଉଚିତ। କିଶୋର ପଟେଲଙ୍କୁ ଛିଡା କରିକି କିଶୋର ପଟେଲ ଭବିଷ୍ୟତ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଜଣେ ୟଙ୍ଗ ଲୋକ ସେ ଆଣିବା ଦରକାର ଯିଏକି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବ୍ରଜାନଗରରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଗଢିପାରିବ, ସେମିତି ଲୋକକୁ ଆଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ନ ଆଣିବେ ସେଇ କିଶୋର ପଟେଲ ରହିବେ, ତା କଂଗ୍ରେସ ତ ଏଇଥର ଜିତିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଏଥରକ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲଢେଇ ବିଜେଡି ବିଜେପି ଭିତରେ ହିଁ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବି ଦାସ ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ, ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁକି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି 4 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର କେବେ ଦାଖଲ କରାଯିବ, କେବେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ, ଭୋଟ୍ କେବେ ପଡ଼ିବ, ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମେ 31 ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହେବ ଏବଂ ଜୁନ୍ 6 ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି କରାଯିବ। ମେ 31 ତାରିଖରେ ଯେହେତୁ ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ଭୋଟ୍ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିନେଇକି 3 ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଙ୍କକଷା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 30ରେ ବ୍ରଜରାଜନଗରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯିଏ ରହିଥିଲେ କିଶୋର ମହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଅନେକ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଧାୟକ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଅଳକା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର ଭାବରେ ମନେ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ପୌର ଭୋଟ୍ ବେଳେ ଅଳକା ଉପନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ଜଣାଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଶାୟୀ ରେସ୍ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କର ଝିଅ ଦୀପାଳୀ ଦାସଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏବେ ବହୁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦୀପାଳୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବ୍ରଜରାଜନଗର ବାଜି ଜିତିବାକୁ ବିଜେପି ବି କମର କଷିଛି, ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ବରଗଡ଼ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନରେ ଆସୁଛି ବ୍ରଜରାଜନଗର ଆସନ, ଯେଉଁ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପିର ତୁଙ୍ଗ ନେତା ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଦୁର୍ବଳ ନେତୃତ୍ୱ ସତ୍ତ୍ୱେ କଂଗ୍ରେସ ବି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ କହିସାରିଛି ଯେ ଏଇଠୁ ହିଁ ଦଳର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବ।